हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग जो है हो चुकी है, ये देखिए। और अभी मुझे बनाना है खाना, और खाने में माँ ने कहा है कि आज बनाना मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल बोलते हैं, मलका मसूर, वो बनानी है खाने में। तो चलिए अभी हम बनाते हैं खाना। और माँ को आज दलनी है दाल जो उस दिन उड़द धोए थे, तो वो वाली दाल जो है आज माँ को दलनी है, और फिर उसे भी पिछोड़ेंगी भी, तो पड़ोस में ही दलने के लिए जाएंगी। चक्की हमारे यहाँ पर तो है नहीं, जो हाथ से घुमाने वाली होती है जिससे दाल को दलते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर तो है नहीं, तो पड़ोसियों के यहाँ पर लगी हुई है, तो वहीं पर माँ जाएगी दाल दलने के लिए। तो देखिए, माँ आ गई थी यहाँ पर दाल दलने के लिए, और उन्होंने कुछ दल ली है, और कुछ जो झरने में, इस वाले झरने में निकाली है, तो उसमें कुछ मोटे मोटे उड़द के दाने रह जाते हैं, तो उन्हें भी अभी वो निकाल रही है। तो माँ इसको दोबारा निकाल रही है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ उड़द के दाने रह गए थे, और धोने के बाद हमें ना उड़द अच्छे से सुखा लेने चाहिए, और इन्होंने ये अच्छे से सुखा लिए थे, और ये जो काली दाल है वो कई दिन की ख़त्म हो रखी थी। और अब माँ इसे छाज में पिछोड़ रही है। तो ये देखिए, बिल्कुल साफ हो गई है पिछोड़ने के बाद में, क्योंकि जो इसमें चूराहा रह जाता है वो पिछोड़कर उन्होंने छाज से अलग निकाल दिया है, और जो मोटी मोटी साफ दाल है वो परात में कर दी है, और फिर मैं इसे एक बाल्टी में कर लूँगी, और ये चूरी ही निकल जाती है इसमें पिछोड़ने के बाद में अलग अलग दाल में से, और ये साफ दाल एक साइड में रह जाती है। और काली दाल की खिचड़ी हमारे यहाँ पर ज़्यादा खाते हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो पतली सी बनती है, तो इसलिए ज़्यादा वही खाते हैं, दही और मट्ठा के साथ में, और मक्खन डालकर, जिसे हम नैनी घी कहते हैं अपनी भाषा में, नैनी घी डालकर खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है वो।
ये देखिए कितनी मतलब कि चूरी निकलती है दाल में से बहुत ज़्यादा, जो जैसे इसमें फटका लगाते हैं तो वो सामने ही आ जाती है फटका लगाने से बारीक बारीक सी। तो इसे तो पशुओं को डाल देंगे इस चूरी को, और दाल जो है अपनी इसी बाल्टी में कर कर रख देंगे हम। ये साफ़ हो गई है और इसमें कोई भी कंकड़ या कुछ नहीं है, ये हमने अच्छे से साफ़ कर ली थी जब उड़द धुले थे उसी के बाद में, जैसे इन्हें सूखने के लिए डालते थे तो उसमें से तभी हमने जो बारीक बारीक सी पक्की कंकड़ होती है वो सब निकाल दी थी। तो दाल जो है काली बनकर हो गई है तैयार, और पिछोड़ भी दी है और साफ़ हो चुकी है, इसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पिताजी बना रहे हैं, कई दिन से जो कट्टे उधेड़ रहे थे उनके बाँट रहे हैं बारीक बारीक से बाण, और ये बाण चारपाई में भी काम आ सकते हैं, दीवान में भी, और जो पशुओं की मोरी बनती है जेवड़ा बनता है उसमें भी काम आते हैं, और इनकी ही मोरी बांधते हैं हम अपनी गाय को, पिताजी बना लेते हैं। और ये वो कट्टे हैं जिनमें आलू आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत सारे कट्टे पड़े हुए थे तो इन्हें पिताजी ने इनका अच्छे से यूज कर दिया है। और यहाँ पर मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारियाँ, तो माँ ने बोला आज मलका मसूर बनाने के लिए, तो कुकर मैंने उस पर रख दिया चूल्हे पर। थोड़ी सी हल्दी और नमक मैं इसमें डाल दूंगी, और ये दाल मैंने बिल्कुल साफ कर ली है पैन में कर ली थी एक, और धो भी ली है अच्छे से, साफ करके रख ली थी पहले ही दाल। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि पानी जो है वो खदक चुका है कुकर का अच्छे से, और आज सारा का सारा धुआं बाहर जाता है बरामदे का वो वापस आ रहा है हवा की वजह से अंदर ही। और देखिए यहाँ पर मैं वहाँ पर चूल्हे के पास में ज़्यादा धुआं लग रहा था तो इसलिए मैं बाहर आकर चारपाई पर ही बैठ गई, तो यहाँ पर मैं लहसुन प्याज ये सब कुछ काट कर रख लूँगी। और अभी इनसे मंगाई है मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ, हरा धनिया मंगाया है, और टमाटर अदरक और हरी मिर्च, ये दो तीन चीज़ ख़त्म हो रखी थी तो वो मंगा ली है। और जीरा भी ये यहीं से लेकर आए हैं क्योंकि कल मैं बाज़ार में गई थी लेकिन भूल गई थी, एक तो ज़्यादा लेट हो गया था कपड़ों के चक्कर में। और यहाँ पर अभी मैं काट रही हूँ टमाटर, और आरुष खेल रहा है अकेला ही देखिए, और पिताजी उधर बाण बांट रहे हैं तो वहाँ पर नहीं जा रहा है, बॉल से खेल रहा है आरुष। और अभी मैं धनिया को भी धो लूँगी, धोकर ही काटूँगी, टमाटर भी मैंने धोकर काट लिए हैं। और जब तक ये सामान तैयार करूँगी तब तक दाल जो है हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। धनिया की पत्ती मैंने जो है काट ली है, ये देखिए सारा सामान काट कर रख लिया है, टमाटर प्याज अदरक लहसुन और धनिया, और दाल भी हमारी बन चुकी है, उसमें तीन सीटी आ चुकी है। अभी मैंने कुकर को खोला नहीं है, कढ़ाई क्योंकि बड़ी है तो तेज़ हो जाएगी तभी इसमें मैं तेल डालूंगी। और अभी हम देखेंगे कुकर को खोलकर, मुझे पता है तीन सीटियों में ये दाल अच्छे से बन जाती है, और जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो कढ़ाई में जैसे मैं दाल में तड़का लगाऊंगी तो तब बन जाएगी, क्योंकि मैं तड़का लगाने के बाद में दाल को अच्छे से खदकाऊंगी। तो यहाँ पर प्याज सबसे पहले मैंने आज डाली है प्याज, और फिर डाला है मैंने इसमें लहसुन, और अब डालूंगी मैं अदरक जो मैंने बारीक बारीक सा कट करके रख लिया था, और अब डाल रही हूं मैं इसमें जीरा, और ये मैंने तीन चार जो है लाल मिर्च तोड़कर पीस बनाकर डाली है। अब इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी, और आज ना गुस्से थोड़े गीले हैं तो इसलिए चूल्हा जो है जलने में परेशान कर रहा है, और पूरे बरामदे में आज धुआं ही धुआं है क्योंकि हवा इधर की चल रही है गेट के साइड की, तो पूरा धुआं अंदर ही घुसा जा रहा है बरामदे में।
और मुझे खाना बनाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है आज यहाँ पर, और बाहर भी मैंने हवा की वजह से ही चूल्हा नहीं जलाया था। मैंने सोचा एक साइड में है, बरामदे में ही ठीक रहेगा, हवा भी कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर पूरे बरामदे में जो है धुआं घुट रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए छोक हमारा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। अभी मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, फिर इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी जो हम डेली यूज करते हैं मसाले। तो देखिए टमाटर अच्छे से तेल छोड़ चुका है, पक चुका है इसमें। तो अभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो अब सब सारे मसाले जो हैं मैं इस टमाटर में ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें नमक, क्योंकि नमक जो है मैं पहले भी इसमें डाल चुकी हूँ। हल्दी का क्या होता है मलका मसूर में पता नहीं चलता है, तो हल्दी तो मैंने ठीक ठाक सी डाली है इस बार भी, लेकिन नमक तो तेज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें अभी थोड़ा ही डाला था। तो देखिए छोंक हमारा हो चुका था, तो दाल को मैंने इसमें छोड़ दिया है कढ़ाई में, और अब हम इसे अच्छे से खदकाएंगे दाल को। और कढ़ाई के अकॉर्डिंग दाल हमारी थोड़ी है, अगर मैं छोटी कढ़ाई में बनाती तो वो ज़्यादा लगती, और छोटी कढ़ाई में वो नहीं आती, तो इसलिए ये वाली इस वाली कढ़ाई में ही मैंने दाल को तड़का लगाया है, और फैमिली के अकॉर्डिंग ही मैंने दाल बनाई है, क्योंकि हम चार पांच बंदे हैं घर में, प्रीति नहीं है, अरविंद भी ड्यूटी चले गए, अरविंद भैया भी ड्यूटी चले गए, और प्रीति भी नहीं है, और बच्चों का बच्चे थोड़ा बहुत ही खाते हैं स्कूल से आकर, फिर वो चाय पीते हैं शाम के टाइम, पढ़ाई करते हैं तो शाम के टाइम ही खाना खाते हैं, स्कूल से आने के बाद में वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। तो देखिए दाल हमारी बनकर हो गई तैयार, और यहाँ पर चाचा जी के लिए मैंने प्लेट लगा दी है, क्योंकि चाचा जी आ गए थे खेत में से, और खाना मैं बना चुकी थी यहाँ पर लगा रही थी। तो देखिए खाना बनाने के बाद ही मैंने इनके खाना लगाया था प्लेट में। तो देखिए दाल, बूरा, चावल और रोटियां। और देखिए चाचा जी आ गए थे खेत से, और खाना भी मैंने बस अभी अभी बनाया है, और मैंने इनको लगाकर भी दे दिया है, और माँ और चाचा जी खा रहे हैं खाना। और चलिए बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।